DKG के ऊपर Fnatic की टीम यहाँ पे पुश कर रही है DKG के ऊपर एंड लेट्स सी यहाँ पे ये पुश का क्या होता है। सॉरी शायद उन्होंने स्पॉट किया है डीकेजी के MLSU को, उन्होंने स्पॉट किया और बिल्कुल एकदम पूरा सा रश गेम प्ले दिखाते हुए जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि रश गेम प्ले दिखाना पड़ेगा। बाकी स्काउट ने एपीपी पे मोड शिफ्ट किया, नॉक करेंगे, उनके पास गन नहीं है पर हो चुका है। Fnatic की स्क्वाड रश करते हुए आई गेस डीकेजी की स्क्वाड पे मैच जीजी की बात करें तो जस्ट सामने से भाग रहे हैं रौनक और एश नीचे आगे साइड निकल चुके हैं, पिस्टल है एश के पास बट फिर भी उनके साथ जा रहे हैं तक पर बस उनको मारना है। पता नहीं क्यों ऐसा क्या मतलब उनको हो गया है कि यहाँ पे इन लोग एकदम वियर्ड पुश कर रहे हैं। DKG के यहाँ पे उम्मीदों पे पानी फेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अकेले फंस गए हैं मैट जीजी एंड पीछे से आई एम प्रीटी श्योर वहाँ पे ओवेस से DKG के क्रेजी को पिकअप किया, मॉक्सिन ने वहाँ पे स्काउट ओपी को पिकअप किया एंड यहाँ पे मैट जीजी का 1v2 हो गया है अगेंस्ट रौनक एंड एश एंड यहाँ पे मैट जीजी होल्ड करे अपने टीम के लिए। आई थिंक DKG कुड बी द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड एंड यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा उनके लिए। बस देखना पड़ेगा एश के पास केवल पिस्टल है बाकी उनके पास कोई भी गन नहीं है, पिस्टल से शॉट लेते हुए एश नॉक हो सकते हैं जस्ट 1 or 2 HP पे। मैच जीजी बचे हुए, इनके पीछे से शॉट आते हुए शॉटगन है और पिस्टल से फाइट चलता हुआ, सामने से भी यूजी चलता हुआ, आगे शॉटगन चलता हुआ, रौनक डाउन होते हुए अकेले एश बचे हुए, उनके पास पिस्टल है कुछ खास है नहीं उनके पास। एश भी नॉक्ड आउट हुए 1v2 करते हुए मैच जीजी तक एंड यहाँ पे मैट जीजी को मैट जीजी ने Fnatic के दोनों प्लेयर्स को पिक ऑफ कर लिया एंड आई गेस यहाँ पे DKG के बाकी प्लेयर्स उनमें हो सकते हैं और शायद स्पॉट किया मैट जीजी को और इसी के साथ DKG की स्क्वाड में भी एलिमिनेट हो सकती है तक। एंड यहाँ पे स्काउट M416 लेके DKG पे रश करने की कोशिश, यहाँ पे देखना होगा उजी निकालते हुए स्काउट एंड इट्स गोना FPP पे स्विच कर चुके हैं। वहाँ पे मैट जीजी को पता है कि उसके सामने प्लेयर आ चुके हैं, यहाँ पे ओवेस को पिकअप करने की कोशिश, यहाँ पे DKG को एलिमिनेट करते हुए Fnatic एंड यहाँ पे DKG का नंबर वन स्पॉट इज रोटेट आउट करते हुए यहाँ पे फाइट होता हुआ एश शॉट्स लेते डार्ली की तरफ, शायद थोड़े से जल्दी शॉट ले लिए बट स्काउट ने बहुत ही बेहतरीन नॉक कर लिया है डार्ली को विद दैट उजी एंड इंस्टेंटली उनको फिनिश ऑफ करना चाहेंगे बट बस सरप्राइजिंगली यहाँ पे आई थिंक लेवल 1 का ही हेलमेट एंड स्काउट कमिंग विद दैट सेकंड नॉक नॉकिंग डाउन हेडिस एंड यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन खेल रहे स्काउट, नेट फेंकते हुए बट वो नेट कनेक्ट नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा बट यहाँ से फॉलो अप कैसे करेगी टीम Fnatic, क्या यहाँ पे टीम Fnatic पुश करने वाली है? यस टीम Fnatic स्काउट यहाँ पे पुश कर चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे उजी है क्लोज रेंज फाइट लेने के लिए तैयार है स्काउट एंड देखते हैं यहाँ पे चॉपर की तरफ स्प्रे डाउन करते हुए बट स्प्रे नहीं कनेक्ट कर पाए एंड यहाँ पे रोटेट आउट करते हुए देखते हैं यहाँ पे चॉपर पे स्प्रे डाउन करते हुए एश का और रौनक का बहुत ही बेहतरीन बैकअप एंड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है अभी टीम Fnatic एंड लास्ट जो बचे टीम FFP के टाका काफी दूर हो चुके हैं अपने स्क्वाड से बट आई थिंक यस ऑल द 3 kills वेंट टू स्काउट, स्काउट टेकिंग 3 kills फॉर हिज टीम एंड एक्सीलेंट स्ट्रेटजी। आई एम प्रीटी श्योर कि यू नो व्हेन इट कम्स टू ब्रिज कैंप नो वन डज इट बेटर देन स्काउट, स्काउट का बहुत ही बेहतरीन ब्रिज कैंप रहता है एंड यहाँ पे उसके कॉल ने अपने टीम को डेफिनेटली एक एडवांटेज दिलाया।